हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में 5 अगस्त को जो कुछ हुआ उसने उस देश में अराजकता, हिंसा, अशांति और अस्थिरता पैदा कर दी है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर आ चुकी हैं और फिलहाल उन्होंने भारत में शरण ले ली है। ऐसे में समझा जा रहा है कि बांग्लादेश को संभालना अब आसान नहीं होगा। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी हो रही है। जो आंदोलन छात्रों ने शुरू किया ऐसा लग रहा है कि अब वो भटक गया है और इसमें कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें घुस आई हैं। ऐसे में अब जमात इस्लामी की कट्टर विरोधी शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मन में इस बात का डर है कि कहीं जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज न हो जाए। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच हिंसा और आगजनी की ताज़ा घटनाओं के कारण भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं बांग्लादेश में हो रहे सियासी बदलाव के बाद भारत अपनी सुरक्षा को लेकर टेंशन में है। बांग्लादेश में आंतरिक उथल पुथल के बीच इस्लामिक कट्टरपंथियों के मजबूत होने से भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बढ़ सकती है। लिहाजा केंद्र सरकार की सबसे बड़ी चिंता बांग्लादेशी सीमा से हो रहे अवैध घुसपैठ और सीमा सुरक्षा को लेकर है। इस बीच बांग्लादेश में जारी संकट पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है, इसे लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। 5 अगस्त को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की अहम बैठक हुई जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी को वहां के हालात से उपजी स्थितियों के बारे में अवगत कराया। वहीं बांग्लादेश में अशांति के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 6 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश की स्थिति के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस सिलसिले में सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधियों को बांग्लादेश के ताज़ा हालात के बारे में बताया और इसके बाद संसद की दोनों सदनों को भी इससे अवगत कराया। उन्होंने यह बताया कि भारत हालात पर निगाह रखे हुए है और इस मामले में आम सहमति के लिहाज से आगे बढ़ा जा रहा है। वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय खासतौर पर हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की चिंता सबके सामने रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बांग्लादेश के हालात पर कल बयान दिया। एस जयशंकर ने राज्यसभा में बताया, On 4th August, events took a very serious turn. 4 अगस्त को हालात बिगड़े, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमले किए, साथ ही पुलिस थानों और सरकारी संस्थानों पर हमले हुए, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, हिंसा ने व्यापक रूप ले लिया। लेकिन सबसे चिंता की बात वहां के अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों के बिजनेस और मंदिरों को अलग अलग स्थानों पर नुकसान पहुंचाया गया है। 5 अगस्त को कर्फ्यू के बाद भी प्रदर्शनकारी ढाका में जुटे, उसके बावजूद सड़कों पर मार्च निकाला गया। हमारी समझ ये है कि सुरक्षा प्रतिष्ठानों के नेताओं के साथ बैठक के बाद ही प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला किया। बहुत कम समय में उन्होंने कुछ समय के लिए भारत आने की मंजूरी मांगी। हमने बांग्लादेश अधिकारियों से फ्लाइट क्लियरेंस की मंजूरी मांगी। वे कल शाम दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्री अजय शंकर ने जहां संसद में इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी, वहीं नेशनल एडवाइजर अजीत डोभाल भी संसद पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने विदेश मंत्री अजय शंकर से मुलाकात की। इस दौरान अजीत डोभाल, गृह सचिव समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में बांग्लादेश के मौजूदा हालात और सीमा सुरक्षा पर चर्चा हुई। इस बीच भारत की बड़ी चिंता यह है कि बांग्लादेश में हिंसा, आगजनी और अराजकता के हालात में काफी लोग बांग्लादेश से भारत में शरण लेने के लिए आने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा काफी तादाद में लोगों की अवैध घुसपैठ की संभावना है। दोनों देशों के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा भारत के 5 राज्यों से जुड़ी हुई है, जिसमें 2200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा अकेले पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। इसके अलावा असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय राज्यों की सीमाएं भी बांग्लादेश से लगती हैं। बांग्लादेश के हालात के मद्देनजर घुसपैठ और उग्रवाद को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा कई तरह की आशंका जता रहे हैं। बांग्लादेश में जो घटना घटी है ये हमारे लिए चिंतनीय है दो एंगल से। एक तो अगर बांग्लादेश में ऐसा अशांति चले रहे तो कोई लोग भारत में आने के लिए उद्ग्रीव होगा, तो हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है, साथ साथ में भविष्य में शेख हसीना का सरकार का समय में नॉर्थ ईस्ट का सारे उग्रवादियों को बांग्लादेश से हटाया गया था। हमारे लिए ये एक चिंता का विषय बना रहेगा कि दोबारा
बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट का उग्रवादियों का एक घाटी ना बने। मैं विश्वास करता हूं कि जो भी नया सरकार बनेगा, ये नया सरकार का साथ भारत सरकार निरंतर बातचीत करेगा और जो नॉर्थ ईस्ट का जो कंसर्न है इसको जरूर ध्यान में रखेगा। प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व का ऊपर हम लोग का विश्वास है। हमारा जो भी नया डिस्पेंसेशन बांग्लादेश में आएगा वो सरकार का साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री जी जरूर ये निश्चित करेगा कि उत्तर पूर्व में उत्तर पूर्व का उग्रवादियों का वहाँ सेफ हेवन दोबारा ना मिले। ये मेरा चिंता यही है 2041 का असम कैसा होगा। आज जो बांग्लादेश में हम लोग देख रहा हूँ, क्या 2041-45 में हम वो भी असम में भी वो देखने के लिए मिलूँगा? क्या वो बंगाल में भी वही होगा? क्या झारखंड में भी वही होगा? हमें उसका चिंता ज़्यादा है। मैं लास्ट 3-4 डेज वही चिंता कर रहा हूँ कि 2041 का असम कैसा होगा। आज जो मैं देख रहा हूँ, जो बांग्लादेश में आप लोग घटना का बात बोल रहा है, ऐसा घटना हमारे धुबरी, ग्वालपरा, बरपेटा जिला में पहले हर दिन होते थे। तो ये हमारे लिए, बांग्लादेश के लिए भी चिंता का विषय है, भारत के लिए, सबसे ज़्यादा पूर्व भारत के लिए चिंता का विषय है। इसलिए हर दिन हमारा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और BSF ने अलर्ट जारी किया है। बांग्लादेश बॉर्डर से और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता पूजा मेहता। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच में पश्चिम बंगाल में जो भारत बांग्लादेश की सीमावर्ती इलाका है वहां पर BSF अलर्ट मोड पर है। हम फिलहाल पेट्रापोल के उस बॉर्डर चेक पोस्ट पर है और हम आपको दिखा रहे हैं उस तरफ जो है वो बांग्लादेश है और इस तरफ भारत की सीमा है। और ऐसे में बांग्लादेश से जो सटे इलाके हैं वहाँ पर BSF की तैनाती होती है और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि BSF के जवान किस तरह अलर्ट मोड पर हैं। आपको बता दें इसी जो है ICP इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लोगों की आवाजाही होती है, इमिग्रेशन भी यहाँ पर है और ऐसे में अगर कोई बांग्लादेशी नागरिक यहाँ आते हैं तो यहाँ पर इमिग्रेशन पर तमाम दस्तावेज और वीजा यहाँ पे चेक किए जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर कोई भारत से बांग्लादेश की ओर अगर कोई जाता है तो इसी जो है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से जो है होते हुए वो जाते हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, देखिए कुछ लोग यहाँ पर जो है उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, पासपोर्ट, वीजा सब कुछ चेक करने के बाद ही जो है वो उस पार जा पाएंगे। और लगातार जो है यहाँ से लोगों की आवाजाही होती रहती है और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर किस तरह से BSF ने कड़ी निगरानी रखी है। और ये आज से नहीं है, जैसे ही पिछले महीने हमने देखा स्टूडेंट्स मूवमेंट जो है काफ़ी तेज रफ्तार से वो आगे बढ़ता चला गया और साथ ही हिंसा भड़कने लगी और उसके बाद भारतीय नागरिक जो बांग्लादेश में फंसे हुए थे और भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस आना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर एक काउंटर भी बनाया गया था उन तमाम लोगों को असिस्ट करने के लिए, लेकिन तस्वीरों में फिलहाल हमने देखा कुछ बांग्लादेशी नागरिक जो हैं अपने देश लौट रहे हैं, उनके तमाम वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, वीज़ा और साथ ही पासपोर्ट, और उसके बाद ही उनको उस तरफ जाने दिया गया। BSF की तरफ से कहा गया है कि भारत के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर कोई भी इमिग्रेशन जो है इन्फिल्ट्रेशन ना हो, कोई भी इन्फ्लक्स ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए जो है काफ़ी पुख्ता किए गए हैं इंतज़ाम और साथ ही सुरक्षा इंतज़ाम को भी चाक और चौबंद किया गया है। इस बीच BSF के DG दलजीत सिंह चौधरी बांग्लादेश से लगी संवेदनशील सीमा का निरीक्षण करने पहुंचे। चौधरी ने पेट्रापोल में BSF के अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद बेनापोल और पेट्रापोल सीमा क्षेत्र के बीच जीरो पॉइंट का दौरा किया।